और फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्त अगर आप एम फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाज सास ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है इम्पॉर्टेंस इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाज साध के पेपर नंबर दो के बारे में जिसका नाम है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी उसमें हम अतलगुतरे वाले सेक्शन को देख रहे थे जिसमें से हमने तेरह प्रश्न जो है कवर कर लिए थे आज हम बात करने वाले हैं चौदहवें नंबर प्रश्न के बारे में तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से आपके दस प्रश्न पूछे जा पूछे जाने वाले हैं और हमने आपके लिए खास तौर पे पचास प्रश्न जो है कबा कवर किए हैं आप इन पचास के पचासों प्रश्न को देख लीजिए यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है ठीक है तो देखते हैं चौदह नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहभागी अवलोकन क्या है यहाँ पर आपको बताना है तो सहभागी अवलोकन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की वही प्रविधि है मतलब कह रहे हैं कि जो सामाजिक अवलोकन है ये सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की वही प्रवृत्ति है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह के साथ किसी प्रकार किस प्रकार घुल मिल जाता है कि उस समूह के सभी सदस्य अवलोकनकर्ता के वास्तविक उद्देश्य से परिचित ना होते हुए उससे अपने समूह का वास्तविक सदस्य मानते मानने लगते हैं ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता ऊपरी तौर पर उस समूह के विभिन्न क्रियाकलापों और जीवन विधि से विधि में भाग लेता रहता है लेकिन आंतरिक रूप से उसका उद्देश्य समूह के जीवन का अध्ययन करना रहता है मतलब कह रहे हैं कि जो ये सहभागी अवलोकन होता है जैसे कोई व्यक्ति है अगर वो किसी विशेष समूह के बारे में कोई अध्ययन करना चाहता है तो वो क्या करे पहले जाए उस समूह से मिले जुले और वहां का एक सदस्य बन जाए ठीक है वहां के लोग ये मानने लगे कि ये यहीं का एक सदस्य बन चुका है वहां का कोई छोटा मोटा फंक्शन भी होता है तो वहां पर वो बुलाया जाए तो बाहरी रूप से तो वो दिखाई पड़ेगा कि वहां का वो सदस्य बन चुका है और वहां पर सारी जगहों पर वो मिलजुल रहा है अच्छे से सब कुछ लगेगा कि यह हमारे में से ही एक है लेकिन जो उसका आंतरिक होता है वो क्या करना होता है उस समूह के बारे में उसकी जानकारी इकट्ठा करना होता है बाह्य रूप से ऐसे अध्ययन में अवलोकन करता तथा अध्ययन समूह के बीच कोई भेद दिखाई ना देने के कारण ऐसे अवलोकन को हम सहभागी अवलोकन कहते हैं मतलब कह रहे हैं कि अगर हम बाहरी रूप से देखें तो जो अध्ययन में अवलोकन करता जाता है अवलोकन करता मतलब जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने जाता है और जिस समूह से जिस समूह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसमें जब कोई भेद ना हो कोई आ, मतलब कोई छिपाव ना हो हर जगह पर बुलाया जाए वो अपना माना जाने लगे तो वही क्या कहलाता है सहभागी अवलोकन कहलाता है ठीक है बात करें पंद्रह नंबर असहभागी अवलोकन किसे कहते हैं असहभागी अवलोकन अध्ययन की वह प्रवृद्धि है जिसमें अवलोकनकर्ता किसी समूह के निकट संपर्क में ना आकर एक अपरिचित और असामान्य व्यक्ति के रूप में आ, ही घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करे और करने का प्रयत्न करता है मतलब कह रहे हैं कि कोई मान लीजिए जो किसी समूह के बारे में जानना चाहता है कोई व्यक्ति उसके बारे में अध्ययन करना चाहता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के साथ नहीं जाता है ना उनसे मिलता जुलता है अब वो क्या करता है कि उसके बारे में थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत जानकारियां इकट्ठा करता रहता है और अध्ययन करता रहता है वही क्या कहलाता है असहभागी अवलोकन कहलाता है ठीक है बात करें सोलावा नंबर प्रश्न की तो सोलावा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं तो जॉर्ज लुंड वर्ग के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है मतलब कह रहे हैं कि जो प्रश्नावली है वो क्या है प्रेरणाओं प्रेरणाओं का मतलब होता है इंस्पिरेशन उसका क्या है एक समूह है ग्रुप है जिसके द्वारा शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं मतलब कह रहे हैं जिसके द्वारा क्या होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं शिक्षित लोग होते हैं वो इन प्रेरणाओं के अंतर्गत जो ये इंप्रेशन हो इंस्प्रेशन होते हैं इसी के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार मतलब बोल के अपने व्यवहार को क्या करते हैं अनुभव करने के लिए क्या करते हैं उनको प्रकट करते हैं दूसरों के सामने लाते हैं ठीक है बात करें बोगार्ड्स महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्न की ताल एक तालिका है मतलब कह रहे हैं कि जो प्रश्नावली विधि प्रश्नावली है ये विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने हेतु मतलब विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं वो अपना उत्तर देने के लिए देने हेतु दी गई एक क्या है प्रश्न की तालिका है जिससे वह निश्चित क्या है कि जिससे वह निश्चित प्रमा प्रमापीकृत परिणामों को प्राप्त करती है जिसका सारणीयन किया जा सकता है और सांख्यिकीय उपयोग भी किया जा सकता है ठीक है ये क्या किसने कहा है ये वोगार्ड्स महोदय ने कहा है अगले आपके देखते हैं गुडे एवं हार्ट महोदय के अनुसार देखें तो समानतया प्रश्नावली शब्द का तात्पर्य प्रयत्न के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के साधन से है जिसे सूचना दाता एवं भरता भी कहते हैं ठीक है सत्रहवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सत्रहवा नंबर प्रश्न कह रहा है अनुसूची से आप क्या समझते हैं यहाँ पे बताना है तो अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति एवं उद्देश्य की दृष्टि से तैयार करता है ताकि उन प्रश्नों का उत्तर संबंधित व्यक्तियों से मालूम करके नियत स्थानों पर भर सके मतलब कह रहे हैं कि जो ये अनुसूची होती है ये प्रश्नों की एक क्या होती है लिखी हुई सूची होती है जिसमें कई सारे प्रश्न तैयार किए जाते हैं और जो अनुसंधान करता होता है वो अध्ययन का जो विषय है और उसकी प्रकृति जो है एवं उसके उद्देश्य के दृष्टिकोण से उसको क्या करता है तैयार करता है और किस लिए तैयार करता है ताकि उन प्रश्नों का उत्तर संबंधित व्यक्ति मतलब जहाँ से जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उससे जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनसे क्या करता है उन प्रश्नों का उत्तर सब प्राप्त करता है और जो स्थान को छोड़े रहता है वहाँ पे उन प्रश्नों का उत्तर लिख देता है अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर लिखने का दायित्व तो शोधकर्ता पर होता है उत्तरदाताओं पर नहीं मतलब कह रहे हैं कि अगर अनुसूची में जो प्रश्न का उत्तर लिखना होता है वो जो शोध कर रहा है वो लिखेगा जो खोज कर रहा है वो लिखेगा ना कि जो उत्तर दे रहा है वो लिखेगा ठीक है बात करें विभिन्न विद्वानों ने अनुसूची का निम्न प्रकार से परिभाषा से क्या किया है परिभाषित किया है जैसे पहले आप यहाँ पे देख सकते होंगे बोगार्ट्स महोदय के अनुसार देखें तो अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक संरचना है किसने कहा है बोगर्ट्स बोगार्ट्स महोदय ने कहा है जिसे समानता सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है जो खोजबीन कर रहा है वही क्या करता है अपने पास रखता है और अपने अन्वेषण से अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ पूर्णकर्ता पूर्ण करता जाता है मतलब कह रहे हैं कि जैसे जैसे उसको जानकारी प्राप्त होती जाती है वैसे वैसे उस अनुसूची को क्या करता जाता है भरता जाता है ठीक है आगे देखते हैं दूसरे आपके आ जाते हैं गुड़े गुडे तथा हाट के अनुसार अगर देखें तो अनुसूची प्रश्नों का एक समूह के लिए प्रयुक्त नाम है मतलब कह रहे हैं कि अनुसूची जो होती है जब प्रश्नों को किसी समूह में आप तैयार करके किसी पेज में तैयार करके लिख लेते हैं एक समूह प्रश्नों का बना लेते हैं उसी को हम अनुसूची कह देते हैं जो साक्षात्कार करने वाले के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछा जाने पूछा और पूर्ण किया जाता है मतलब कह रहे हैं कि साक्षात्कार का मत, कार का मतलब होता है इंटरव्यू मतलब जब आदमी एक दूसरे से आमने सामने होकर के बात करते हैं तो उनसे जो प्रश्नों को पूछा जाता है वो उन प्रश्नों का उत्तर जो है वहाँ पे तुरंत भर दिया जाता है ठीक है बात करें थॉमस कार्सन के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा है कि अनुसूची प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ नहीं है मतलब उन्होंने बताया है कि जो ये अनुसूची है ये प्रश्नों की एक सूची के अलावा और नहीं है जिसका उत्तर देना कल्पना और या उपकल्पनाओं की जांच के लिए आवश्यक प्रतीत होता है मतलब कह रहे हैं कि जिन चीज़ों की आप पहले से ही कल्पना किए होते हैं जिन प्रश्नों का कल्पना किए रहते हैं उन प्रश्नों को आप लिख लेते हैं और उन्हीं का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप कहीं पे जाते हैं तो जहां पे आपने प्रश्नों को लिख रखा है वही अनुसूची कहलाता है ठीक है एम एच गोपाल महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है अनुसूची एक अर्थ में उन विभिन्न मदों मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित एवं कम क्रमब्ध सूची है जिन पर सूचना की आवश्यकता होती है ठीक है या किसने कहा है ए एम एच गोपाल महोदय ने कहा है ठीक है देखते हैं अट्ठारह नंबर प्रश्न अट्ठारह नंबर प्रश्न कह रहा है कि साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए इंटरव्यू की परिभाषा वो पूछ रहा है सीधा आप यहाँ पे जानना चाहें तो लिखा है साक्षात् साक्षात्कार का, का आशय अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलना है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित हैं मतलब जैसे अनुसंधान की जो समस्या होती उससे जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनसे मिलने के लिए अनुसंधानकर्ता जो अनुसंधान के अंदर काम करते हैं वो जाते हैं और जब दोनों आमने सामने रूबरू होते हैं उसी को हम साक्षात्कार कहते हैं देखते हैं मानवेंद्र नाथ माहौ महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है साथ, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलान कहा जा सकता है मतलब कह रहे हैं कि जो ये साक्षात्कार है ये कुछ विषयों में आ, ऐसे कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके लिए आदमी जो होता है आमने सामने मिलता है उन पर बातें करता है वही क्या कहलाता है साक्षात्कार कहलाता है पीबी यंग महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक से प्रवेश करता है मतलब कह रहे हैं पी बी यंग महोदय कहते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति है वो क्या करता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कल्पना करके कुछ प्रश्नों को तैयार करता है और उन्हीं प्रश्नों को पूछता है रूबरू होकर के वही क्या कहलाता है साक्षात्कार कहलाता है जो कि उसके लिए समानता तुलनात्मक क्या होते हैं तुलनात्मक रूप से आपर्षित हैं ये क्या किसका मानना है पी बी महोदय का मानना है उन्नीसवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि साक्षात्कार के उद्देश्य बताइए मतलब इंटरव्यू का क्या एम होता है क्या उद्देश्य होता है यहाँ पे आपको बताना है तो सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में साक्षात्कार प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने का एक समूह एवं महत्वपूर्ण उपकरण है एन एम गोपाल महोदय ने लिखा है कि साक्षात्कार एक उद्देशात्मक वार्तालाप है मतलब कह रहे हैं कि जो साक्षात्कार इंटरव्यू होता है ये एक उद्देशात्मक मतलब जिसका कोई उद्देश्य होता है वही एक वार्तालाप होता है तथा इसीलिए एकमात्र सूचना के मौखिक आदान प्रदान से कुछ अधिक है मतलब कह रहे हैं कि ये अगर हम देखें तो ये जो मौखिक आदान प्रदान है मतलब बात से ज़ुबान से ही कोई चीज़ पूछ रहे हैं ज़ुबान में ही उसका आंसर मिल जा रहा है तो इससे कहीं बढ़कर है सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कारता के उद्देश्य निम्नलिखित हैं पहला उद्देश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा पहला उद्देश्य है मेरे प्यारे दोस्त प्रत्यक्ष संपर्क संपर्क स्थापित करने करके सूचना संकलन करना मतलब प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब ये हुआ कि आमने सामने बैठकर अपने प्रश्नों का जवाब जानना दूसरा कह रहा है गुप्त एवं व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना कुछ ऐसी सच सूचनाएं होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं ठीक है इंडिविजुअल होती हैं और कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं ठीक है पर्सनल होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी साक्षात्कार की एक विशेषता है उपकल्पनाओं के निर्माण का साधन है क्या साक्षात्कार निरीक्षण द्वारा अन्य उपयोगी सूचना प्राप्त करना यह भी क्या है साक्षात्कार के अंतर्गत ही आता है आंतरिक व व्यवहार व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी होना भी क्या साक्षात्कार के अंतर्गत आता है निरीक्षण के लिए अवसर प्राप्त होना सातवें नंबर पे है गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना आठवें नंबर पे है सत्यो सत्यापनशीलता के लिए अवसर पाना ये भी क्या साक्षात्कार का एक उद्देश्य हो जाता है और नवा नंबर कह रहा है विधि सूचनाएँ प्राप्त करना भी क्या कहलाता है साक्षात्कार का एक उद्देश्य कहलाता है ठीक है आगे देखते हैं बीसवा नंबर प्रश्न में मेरे दोस्त तो बीसवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बीसवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्ययतिक अध्ययन क्या व्ययक्तिक अध्ययन व्यक्ति विधि से आप क्या समझते हैं जो इंडिविजुअल अध्ययन होता है उससे आप क्या समझते हैं यहाँ पे पूछ रहा है तो गुणात्मक विधि जिसके द्वारा किसी व्यक्ति समूह अथवा संस्था का संपूर्ण अध्ययन ऐतिहासिक क्रम के अनुसार किया जाता है वैयक्तिक अध्ययन विधि कहलाती है मतलब कह रहे हैं अगर आप किसी व्यक्ति का या कोई ऐसी समूह कोई ऐसा समूह है जिसका या कोई संस्थान है जब उसका आप ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं वो भी क्रमबद्ध रूप से कि कहाँ से वो जन्म लिया और कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे उसका विकास हुआ वही क्या कहलाता है व्यक्तिक अध्ययन कहलाता है ठीक है बात करें सामाजिक अनुसंधान में ऐतिहासिक उत्पत्ति की दृष्टि से सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करके करने हेतु व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की एक अति प्राचीन पद्धति है मतलब इनका कहना ये है कि जो व्ययतिक अध्ययन है वो सामाजिक अनुसंधान में ऐतिहासिक उत्पत्ति मतलब इतिहास में कहाँ से वो जन्म लिया था कि दृष्टि से सामाजिक घटना की व्याख्या करने मतलब इस समय पे जो सामाजिक घटनाएं हो रही उनका व्याख्या करने हेतु व्यक्तिक अध्ययन मतलब जो इंडिविजुअल अध्ययन पद्धति का एक अति प्राचीन पद्धति है मतलब ये बहुत पुरानी पद्धति है जो हमें अब देखने को मिल रही है समाज वैज्ञानिक अनुसंधान के समाज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में व्ययतिक अध्ययन प्रणाली का प्रणाली एक अत्यंत पुरातन एवं महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है यही कारण है कि विभिन्न समाज व्यक्तिकों तो, वैज्ञानिकों से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रविधि को परिभाषित किया है जैसे पहले आपके देखने को मिल रहा होगा गुडे एवं हार्ट के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा है यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि है क्या है ये सामाजिक तथ्यों के को संगठित करने की एक विधि है ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु के वैज्ञानिक गुण सुरक्षित रह सके मतलब कह रहे हैं कि जो अध्यय अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु है उनके वैज्ञानिक गुण जो होते हैं उसको सुरक्षित रह सके ठीक है बात करें आगे दूसरे आपके वैज्ञानिक हैं पी बी महोदय क्या कहते हैं उन्होंने कहा है कि वैयक्तिक अध्ययन जो है वो किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज मतलब सामाजिक इकाई समाज का कोई इकाई है उसके जीवन की खोज तथा विवेचना की पद्धति है मतलब उसके जीवन के बारे में खोज करें और उसकी विवेचना करें यही पद्धति ही क्या कहलाती है व्यक्तिक अध्ययन कहलाती है भले ही वह इकाई व्यक्ति हो या परिवार हो या संस्था हो संस्कृति हो अथवा समूह हो या फिर अथवा संपूर्ण समुदाय हो कोई भी हो सकता है ठीक है बात करें तीसरे नंबर पे आपके जो वैज्ञानिक आ जाते हैं कौन से आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो तीसरे नंबर पे आपके जाते हैं बीसेंज तथा बीसेंज के अनुसार देखें बीसेंज तथा बीसेंज महोदय के अनुसार देखें तो वैक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है मतलब कह रहे हैं जो वैक्तिक अध्ययन पद्धति है ये गुणात्मक आदमी के जो गुण होता है उसका जब आप विश्लेषण करते हैं उसी का एक स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति एक स्थिति अथवा संस्था का सावधानी पूर्वक अथवा पूर्ण अवलोकन किया जाता है आपके दिमाग में ज़रूर एक बात चल रही होगी कि अभी तक आपने पढ़ा क्रो एंड क्रो महोदय फिर आप यहाँ पे विसेंज एंड महोदय सुनने को पा रहे हैं तो बिसंज जो है एक आदमी का नाम है और उन्हीं की बीबी -बी, मतलब वो और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर जो खोज की है उसी के कारण इसको हम बिसंज और बिसंज महोदय कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपकी ये जानकारी हो सकती है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत